हाँ हमने देखा, बहुत अच्छा लगा लियो का बर्थडे का केक देख के। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने जैसा सोचा था, एक्चुअली उसके पापा ने जैसा सोचा था केक किस टाइप का होगा, उस टाइप का नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम करेंगे लियो के लिए, वो कि जियो का अभी नेक्स्ट बर्थडे आ रहा है, लियो जियो की मम्मी का मेरा बर्थडे आ रहा है दिसंबर में, और मेरे छोटे बेटे जियूस का बर्थडे आ रहा है जनवरी महीने में, और लगातार है बर्थडे। ठीक है दोस्तों, दिसंबर में मेरा, जनवरी में जियू का, और फेब्रुवरी में उसके पापा का, तो तीनों का बर्थडे पूरा लगातार आ रहा है। तो आप लोग देख पाएंगे कि मेरे बर्थडे में मेरे पति जब क्या करते हैं मेरे लिए, कभी तो कुछ करते नहीं है वो, क्योंकि उनको सरप्राइज देना आता नहीं है। वो मुझे बोलेंगे कि तुमको जो लेना है तुम खुद से ले लो मैं कुछ नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों सच बताओ, मुझे मतलब पसंद है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करे या फिर कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे। लेकिन मेरे पति जो है ना, वो एकदम अनाड़ी है, उनको कुछ सरप्राइज देना नहीं आता है, और इवन कि आज तक उन्होंने कोशिश भी नहीं किया है कि वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करे, क्योंकि उनको मौका मिलने से भी वो बोलेंगे क्या पता ये लीना को अगर पसंद नहीं आया तो, इस टाइप का है तो आप लोग मेरे हस्बैंड को पक्का सजेशन कुछ दीजिएगा कि इस बार तो एटलीस्ट मेरे बर्थडे में कुछ सरप्राइज प्लान करे हो मेरे पति जब अगर वीडियो देखेंगे बोलेंगे कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों आप ही लोग तो मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो, सब कुछ हो, तो आप लोगों को नहीं बोलूंगी तो और किसको बोलूंगी। और यहाँ पे मेरे बच्चे हाथी खेल रहे हैं, हाथी 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 छोटी है छोटी है, देखिए छोटी का कैसे अपना टेल ऐसे से हिल रहे, छोटी जीव जीव इधर आओ मेरे पापा, आ लो मेरे बच्चे, आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ, स्माइल मत करो, स्माइल क्यों कर रहे हो, खाली स्माइल करेगा, खाली स्माइल करेगा। और दोस्तों सबसे बहुत कॉमेडी वाला चीज एक हो रहा है हमारे घर पे, अगर घर में अगर एसी बंद रहता है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि इनके हेयर बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, तो ऑब्वियसली इनको गर्मी लगना ही है, और हमारे यहाँ का वेदर भी बहुत गर्म है, तो इस वजह से उनको हमेशा हम लोग एसी में ही रखते हैं। तो दोस्तों जब भी एसी बंद हो जाता है, कि समझ लीजिए थोड़ा टाइम के लिए बंद कर लिया, कभी कभार क्या बहुत ज़्यादा चिल हो जाता है, तो उसके बाद ऑन करना भूल गए, तो गर्मी हो रहा है, तो जीव जो है अपने भैया को, बड़े भैया को बताता है, भाया मुझे नहीं आया, भाया आप ये बॉल खेलेगा दोस्तों, क्योंकि ये अभी अपना डब्बा लेने के लिए गया है। अब आप लोग देखेंगे कि नया बॉल क्या है। हाँ जीव दिखाओ दोस्तों को, दिखाओ तुम्हारा नया बॉल क्या है। घर में दोस्तों खिलौना रखने के लिए जगह नहीं है, मैंने इतना ज्यादा हो गया है खिलौना, ये है उसका नया बॉल। आप लोग मानेंगे इतने सारे खिलौना होने के बावजूद वो देखिए बॉटल लेके खेल रहा है। देखिए ऐसे ही होता है हमेशा दोस्तों, कोई एक ढक्कन मिल जाएगा या फिर कोई कुरियर आया तो उसका अगर पैकेट मिल गया, दोनों इतने चाव से उसको खेलते हैं। देखिए अब लियो यहाँ पे मुंह घुमा के यहाँ पे बैठ गया, लियो अपना हाथी को लेके बहुत ज्यादा व्यस्त है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने जैसे सोचा था कि बर्थडे में लियो को हम देंगे हाथी, क्योंकि उसको हाथी जो इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा उसका ऐसे ही सेम हाथी था, तो मुझे डाउट था कि वो शॉप में मिलेगा कि नहीं मिलेगा एग्जैक्टली सेम टाइप का हाथी, लेकिन लकीली मुझे दो मिल गया दोस्तों, तो मैं लेके आई। एक का तो ऑलरेडी मैंने सारे पुर्जे थोड़े थोड़े निकाल चुके हैं, इसका भी शायद निकाल चुका है, अब दिखा मैंने जान। हाँ दोस्तों इसका एक आंख नहीं है, देखिए उसका क्या इस टेडी को अच्छा लगता है पता नहीं, ये बड़े वाले टेडी के साथ इतना नहीं खेलता है, लेकिन ये छोटा वाला टेडी, फिर वो पिलो, फिर ये डायनासोर, ये सब के साथ मैंने सोचा आज इसको हम घर को उनके टॉय से ही सजाते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर एक टॉय है, इधर एक टेडी बियर है जिसके मुंह में चिकन का ये लगा हुआ है, लग रहा है जैसे उसने ही चिकन खाया है, वो जीव का है ना बेटा, तुम्हारा है ना, तुम्हारा है ना, बहुत हो गया बातचीत, अब खेलना है।
पता भी नहीं चल पाता है कि कितना टाइम निकल जाता है सुबह से लेके शाम हो जाता है और मेरा कोई काम नहीं होता है। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया है कि मैडम जी आपका और कोई काम धंधा नहीं है क्या, आप कुछ काम नहीं करते? मैं बोला नहीं करती दोस्तों, मैं अपने बच्चों के साथ ही खाली खेलती रहती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बाय।